जिला ठट्टा के शहर सुजावल के करीब जनूबी कोरिया के ताबू से दीवान फारूक मोटर्स ने पैदावार शुरू कर दी। अंदरून सिंध यह अपनी नौयत का वाहिद कार प्लांट है। प्लांट के क्याम में जनूबी कोरिया के सरमायाकारों ने ताबुन किया है और तकनीकी इमदाद फराहम की है, जहां मुख्तलिफ अकसाम की कारें, तजारती ट्रक और वैन तैयार की जाती हैं। कार प्लांट में मुल्क में पहली मरतबा गाड़ियों को पेंट करने वाले रोबोट्स की बदौलत मार्केट में नए मीका और मेटालिक कलर मुतारिफ हुए हैं। इसकी बॉडी शॉप में जदीद तरीन वेल्डिंग इक्विपमेंट, ऑटोमेटिक जिग्स और आलात इस्तेमाल होते हैं। दीवान फारूक मोटर्स के इस प्लांट से अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 गाड़ियां सालाना बनाने की गुंजाइश पैदा हुई है और लोकल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक सेहतमंदाना मुकाबले का रुझान पैदा हुआ है। और ये प्लांट चूँकि इस पसमानदा इलाके में कायम किया गया है, तो इस पसमानदा इलाके में अल्लाह के फजल करम के साथ एक जनरल प्रॉस्पेरिटी और एक अवेयरनेस क्रिएट हो रही है और इससे मुझे उम्मीद है कि इसके बड़े अच्छे असरात होंगे। और इलाके के लोगों के लिए भी हमने यहाँ पे आईटी सेंटर का क्याम कर रहे हैं और ताकि वो मज़ीद जो जदीद टेक्नोलॉजी यहाँ मुतारिफ़ हो रही है उसे वो भी फ़ायदा उठा सकें। ये मुल्क के जदीद तरीन प्लांट्स में से एक है। इस प्रोजेक्ट से 650 अफराद को रोज़गार के मौके मैसर आए हैं। इस किस्म के कार प्लांटों से इस बात का भी इजहार होता है कि हुकूमत ने सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए जो तरगीबात दी हैं उनके हौसला अफजा नतज बरामद होना शुरू हो गए हैं। शब्बीर इब्ने आदिल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सुजावल।